वृद्धावस्था पेंशन की लाभार्थियों को 2 दिन में कराना होगा वेरिफिकेशन। मुख्य सचिव द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण की समीक्षा की गई। योजना अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण का प्रतिशत कम होने के कारण नाराजगी व्यक्त की एवं निर्देशित किया गया है कि 100% प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करा ले, सत्यापन न होने की स्थिति में पेंशन रोक दी जाएगी। आधार कार्ड सत्यापन न होने पर नहीं मिलेगी पेंशन। जिसका समय 2 दिन के अंदर सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि 5 से 7 मार्च तक का समय है, जल्दी ही नजदीकी जनसेवा केंद्र पर आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ पेंशन धारक को सत्यापन कराने के निर्देश हैं। वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी को पेंशन अब आधार कार्ड के बेस पर खाते में भेजी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी केपी सिंह ने पेंशन पा रहे लाभार्थियों से अपेक्षा की है कि भौतिक सत्यापन के समय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड वेरिफिकेशन करा लें, अन्यथा वृद्धा पेंशन मिलना संभव नहीं होगा। आधार एवं मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन दिए गए विभागीय पोर्टल के लिंक से भी कर सकते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से भी लिंक को ओपन कर वेरिफिकेशन कर सकते हैं या नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर पहुंचकर भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।